नैनीताल में गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा और आगजनी की घटना को लेकर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। घटनास्थल की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के हालातों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने के पश्चात आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने आम जनता की क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सराहना की। वहीं इस प्रेस वार्ता के बाद मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सुशीला तिवारी चिकित्सालय में घायल मरीजों से मुलाकात की और CMS सुशीला तिवारी चिकित्सालय को निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार में कोई भी कसर ना बरती जाए। सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है, सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, फिर वहाँ से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट होंगे, वहाँ से फिर पूरा मीडिया को हम मिल देंगे पोजिशन। वंस वी गो बैक टू देहरादून देन वी विल कम आउट विद द ऑर्डर्स विच विल बी इश्यूड टुडे। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा।